दोस्तों स्वागत है आपका द करता एग्जाम और पोर्टल में। सब्सक्राइब देखिए, भी ड्यूटी करते करते कितना वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज करने को मिलता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, रास्ते में बिच्छू हमें मिला था, ऐसे बहुत ही खतरनाक था, बट हम लोगों ने इसका काम तमाम कर दिया। अब मैं एक टोटका बताता हूँ। देखिए आप, वैद्य सुसेण है ये हमारे यहाँ के ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसका ये वाला काटिएगा, इसका जो डंक है हाँ, यही ब्लेड निकाल लिए हैं, काटेंगे हाँ। और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको गोबर में बस इतना बड़ा गोला बनाएंगे हाँ, गोला बना के चिपचिपा निकाल देंगे, ठीक। अकबर के आगे धूप में सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे हाँ। उसके बाद उसको रख देंगे, जब हाँ। नया बच्चा कोई न्यू बोर्न बेबी होगा तो हाँ। उसका वो सब जो होता है जलाएंगे हाँ। तो जलाएंगे तो उसको सांप बीछी नहीं काटेगा, ना काटेगा तो चढ़ेगा चढ़ेगा नहीं। ये देखिए कि यहाँ पहले के जो वैद्य सुसेण थे, इनकी आत्मा इन्हीं में है। क्या नाम है आपका, नामवा बताइए। रामा शंकर राम साहब। हाँ, रामा शंकर राम जी के पास। और भी आपको ये सब झाड़ने उड़ने भी आता है, मतलब ये सब और कुछ आता ना, है आपको ना, विद्या? ना। ये भी, ये देखिए इसको कैसे काट रहे हैं, देखिए। हो गया, देखिए इतना ही हाँ। इतना ही हाँ, बस। बाप रे बाप, काट लिए इसे, हम लोग इसको मार दिए हैं, लेकिन इतना ही ब्लेड लेके ही चल रहे थे कि ऐसा खोजते रहते हैं यहाँ पे सब हाँ। कितना बार, कितना निकाल चुके हैं अब तक ऐसा? आप ऐसा हम जब जहे मिलता है तहे निकाल देते हैं सब। अच्छा हाँ। शाबाश, बहुत बढ़िया है ना। घाव अच्छा नहीं होता है उसका इलाज हाँ, तो स्वयं हो जाता है, मतलब कि कभी जिंदगी में जल्दी। ये देखिए पुराने वैद्य हैं, एक और उपचार बचाया कि जो सांप मर जाता है, फिर सांप जो ये रहता है उसका क्या निकालते हैं, चर्बी, उसका चर्बी को पिघला के मतलब ऐसे तेल या टाइप का बना देते हैं, और फिर उससे जो कोई सा भी पुराना से पुराना घाव होता है वो ठीक हो जाता है। तो जो सांप वगैरह होता है मर जाता है, फिर कहीं मार देते हैं लोग तो उसका ये चर्बी बना देते हैं और उसका ये, लेकिन बनाने के क्रम में आप भी 3 दिन बेहोश रहते हैं, ये 3 दिन खुद बेहोश रहते हैं उसका गंध से। तो जो आयुर्वेद की आत्मा है वो गाँवों में बसती है, इसे प्रूफ होता है। देखिए ब्लेड पे इसको, इसका ई को रखे हैं अभी, इसको क्या कीजिए, कैसे रखिएगा इसको? अभी हम अपने झीली में बांधेंगे, झीली में बांधेंगे, बांध के ले जाएंगे, वो अबोजू बनाएंगे। देखिए यही है आयुर्वेद की आत्मा जो है हमारे देश में और हमारे गाँव में, बहुत सारे आपको ये मिलेंगे। मैं यहाँ गश्ती के दौरान इनसे मिला। और भी आपके पास कोई जानकारी है, आपके पास और कोई जानकारी है इस टाइप का? नहीं नहीं ये दो तो इन्होंने ये उपचार बताया है, अब इसको ट्राई करेंगे, यही हम लोग कभी आएंगे कोई घाव ऐसा रहा तो इनसे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं।